रमजान के 21 तारीख से 5 तारीख तक रात की लोड शेडिंग बंद किया जाए, इसका निवेदन हमने सीईओ साहब को दिए। इंशाल्लाह वो बोले हम आगे की कोशिश करके आपका आगे की कार्रवाई करेंगे, इसके बाद में लोड शेडिंग नहीं होंगी बोल के ऐसा उन्होंने बताया। कल का टाइमिंग और उस दिन लोड शेडिंग हो गई, एक तो 8 दिन में 10 दिन में पानी आ रहा है और उसमें भी अगर लोड शेडिंग होती है तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसलिए ये डिपार्टमेंट को, महावितरण के डिपार्टमेंट को जगाने के लिए हम सब ऑल पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे और हमने ये बात रखी है, उन्होंने ये मान्य किया है और हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ स्टेप लेंगे। पावर फंड वोल्टेज कंटिन्यूएशन में नहीं रहता, स्लो फास्ट होते रहता और फिर स्लो होते होते बंद हो जाता है और एक फ्यूज रहता है, एक फ्यूज टोटली बंद रहता है, एक आप लगता है कि एक साइड है लाइट लेकिन एक फ्यूज कम से कम 12 घंटे बंद रहता है। ये फेस का त्रास मैडम रेगुलर है, ये फेस नेहमी एक जात रहता है, हर अर्धे तासने दोन तासने फेस नेहमी एक जात रहता है। ठीक है, आप उतना थोड़ा हमारे 8-10 दिन के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट है, अभी 10 ही दिन बचे हैं और 8-10 दिन हमारे पास, उसके बाद फिर मैडम वो आप कंसीडर करो मैडम, दिन में करो आप, कारण का पानी 7 दिवसातून एक बार येतो म्हणजे महिन्यातून 4 वेळेस। हे काम होणार दिवस तुम्ही नको, रमजान आहे म्हणून त्याच्यानंतर तुम्ही करा, 5 तारखेला 10 दिन बचे आहे रमजान, 8 दिवस एक नंबर विनंती आहे, बस हम आमची विनंती 10 दिन ही बचे रमजान के लिए, उसके बाद आप करिए ना। हाँ सुबह में भगलपुरा के सभी रहवासी ने आज जो लोड शेडिंग के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइट के, उसको लेकर कोहिनूर कॉलोनी में रहने वाले सभी पार्टी के लोग, जैसा हमारे यासीन साहब और बाबू भाई राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, हमारे अजीम भाई एमआईएम पार्टी के, मैं अब्दुल रऊफ समाजवादी पार्टी का हूँ, तो ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमारे महल्ले के, हमारे कॉलोनी के नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उसको लेकर हमने सबने मिलकर बाबू भाई के साथ एक निवेदन दिया है। उसमें ये डिमांड की है कि जो लोड शेडिंग की जा रही है रात की, वो रात की लोड शेडिंग तुरंत बंद की जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना चालू है, सहरी का मसला रहता है और उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को होते हैं, क्योंकि कल रात में जो हालात हुई पूरे कॉलोनी के मंगलपुरे की वो हम आपको बता नहीं सकते। तो वो वजह से आज हम लोगों ने सबने डिसाइड किए महल्ले के कि एक निवेदन यहाँ के सीईओ साहब को दिया जाए और उसमें ये डिमांड की जाए कि रात की जो लोड शेडिंग है तुरंत बंद की जाए, कम से कम रमज़ान के 10 दिन तक, और जो लोड शेडिंग के टाइमिंग है वो नल जो आता है पानी का जो कॉरपोरेशन से, तो वो टाइमिंग के हिसाब से लोड शेडिंग की जाए, ऐसा ना हो जिस दिन नल का टाइमिंग हो और उस दिन लोड शेडिंग हो गई, एक तो 8 दिन में 10 दिन में पानी आ रहा है और उसमें भी अगर लोड शेडिंग होती है तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसलिए ये डिपार्टमेंट को, महावितरण के डिपार्टमेंट को जगाने के लिए हम सब ऑल पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे और हमने ये बात रखी है, उन्होंने ये मान्य किया है और हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ स्टेप लेंगे। अब आगे की बात हमारे बाबू भाई करेंगे। मोगलपुरा कोहिनूर कॉलोनी के पूरे रहवासी जो है साथ आए हुए हैं, रात को जो है रात की लोड शेडिंग बंद करने का निवेदन हमने दिया। हमारे साथ महल्ले के रऊफ भाई, अजीम पटेल, ये लोग सब महल्ले के लोग आए हुए हैं, जो रमज़ान के 21 तारीख से 5 तारीख तक रात की लोड शेडिंग बंद किया जाए, इसका निवेदन हमने सीईओ साहब को दिए। इंशाल्लाह वो बोले हम आगे की कोशिश करके आपका आगे की कार्रवाई करेंगे, इसके बाद में लोड शेडिंग नहीं होंगी बोल के ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद में जो है और जो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है वो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।